अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं? बिना वक्त ज़ाया किए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इन्वर्स क्या होता है? देखें जी, जब एक मिकदार को इसी मिकदारें आपके पास दी हुई हैं, एक मिकदार बढ़े और दूसरी भी बढ़े तो, या एक कम हो जाए दूसरी भी कम हो जाए, तो आप उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसको उर्दू में तनासुब राज कहते हैं। ठीक है, अगर एक मिकदार बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, या दूसरी बढ़ रही है पहली कम हो रही है, तो उसको आप इन्वर्स प्रोपोर्शन यानी तनासुब माकूस कहते हैं। मजीद हम कहते हैं इसकी एग्जाम्पल से आपको इंशाल्लाह ज़्यादा समझ आ जाएगा। ये सिंपल मैंने लिख दिया, वह लिखा इस वजह से ताकि आपको ज़्यादा वीडियो भी ना देखनी पड़े और बात भी समझ में आ जाए, तो इतनी लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा इंशाल्लाह, छोटी सी वीडियो है। अगर छः कापी की कीमत 45 रुपये है, ये एक जनरल सी एग्जाम्पल मैंने लिखी है। अगर छः कापियों की कीमत, सॉरी यहाँ पे कापियों की कीमत, ठीक है, छः कापियों की कीमत 45 रुपये है, तो 8 कापियों की कीमत आपने निकालनी है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि तनासब रास यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है जिसमें एक मिकदार बढ़े तो साथ दूसरी भी बढ़े, या एक कम हो तो साथ दूसरी भी कम हो जाए। ठीक है, आपने करना इसको क्या है, आपने लिखना है कापी, कापियों दिए हुई है ना, आपने लिखा है कापी कितनी है और उसकी कीमत कितनी है। कापियों भी लिख सकते हैं, कापी भी लिख सकते हैं। तो 6 कापियों की कीमत कितनी उसने दी, 45 रुपये दी। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है 8 कापियों की कीमत, कापी के नीचे फिर 8 लगा दे, यानी सबसे पहले आप कापी लिखें, इधर 6 कापी लिखा हुआ है, इधर 8 लिखा हुआ है, वो लिख लिया। ठीक है, उसके बाद कीमत दी लिया 45 रुपये, और आगे कीमत आपने फाइंड करनी है, जिस जो चीज आपने फाइंड करनी है उसकी जगह पे आप क्या लिख लें, एक्स लिख लें। ठीक है, अच्छा अब देखता यह है 6 कापियों की कीमत 45 रुपये है, अब हमने जनाब कापियों की कीमत को इंक्रीज कर दिया, कापियों की कीमत को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी कि जाहिर सी बात है 6 कापियां, कापियों की तादाद बढ़ेगी तो कीमत भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, हमने तादाद को इंक्रीज किया, पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो उसको तनासब रास कहते हैं। और तनासब रास मैंने आपको बताया, या तो दोनों मिकदारें अप होती हैं या दोनों मिकदारें कम हो रही होती है, दोनों मिकदारें ज्यादा हो रही हैं, आप इसको बेशक वो आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको अपर भी लगा सकते हैं और लोअर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा लोअर लगाने का मकसद ये होता है दोनों मिकदारें, एक मिकदार कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, अपर लगाना है आपने क्योंकि हमारे पास इंक्रीज हो रही है तादाद। ठीक है, अब देखता ये है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा मजीद गाइड कर देता हूँ। देखिए बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाना है, आपने बच्चों को भी ऐसे ही सिखाना है। देखिए 8/6, इसमें 8/6 हमने क्यों लिखा बताता हूँ, देखें 8 है, ठीक है 8, इसकी जगह पे आप बच्चों को यही ऐसे सिखाएंगे तो बच्चे जल्दी पिक कर लेंगे। 8 लिखा, इसकी जगह पे आपने बटा लगा दिया और 6 लगा दिया, ठीक है बराबर, इधर फिर x लिखा, इसकी जगह पे आप बटा लगा दें और 45 लिख दें। जी जी, एक बात अब यही आप सोचे होंगे कि बच्चे कहीं 45 इसकी जगह पे बटा और एक्स ना लिख दे, बच्चों को एक चीज आपने बतानी है कि बेटा स्टार्ट में आपने वही लिखना है जहां से तीर स्टार्ट हो रहा है, एरो स्टार्ट हो रहा है। देखिए एरो 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 पहले लिखना है इसकी जगह पे बटा, एक्स से स्टार्ट हो रहा है, एरो एक्स पहले लिखना है इसकी जगह पे बटा। ठीक है, अब देखें अपने नेक्स्ट करना क्या, इसको दो इसके बाद तरीके है, एक तो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरबे चिल्ले भाई जिसको कहते हैं, ठीक है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी करना आसान है, आगे 45 को 8 से जरब दे दे, 6 को उधर जरब दे दे तो। और दूसरा तरीका ये है कि 8/6 वैसे लिखा, अब 45 इधर डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, तो इसको इधर लाकर जरब कर दे, ठीक है, और बटा क्या है आपके पास बराबर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, अब इस 45 को 8 से मल्टीप्लाई करके 6 पे डिवाइड कर दे तब भी आंसर वही आएगा, अगर काटना है तो काटते 2, 3, 6, 2, 4, 8 और 3 को इससे काट दें, 3, 15, 45, 3, 1, 3 और 3, 5, 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितनी कीमत आएगी, 60 रुपये, कितनी कीमत 60, आप लिख देंगे कि 8 कापियों की कीमत 60 रुपये बन रही है, समझ आ रही है। तो ये तो था डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी जिसको आप तनासब राज कहते हैं। अब तनासब माकूस को आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ भी ये एरो चेंज होगी, तनासब माकूस भी ये होता है एक मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, या एक कम हो रही है तो दूसरी उसके साथ बढ़ रही है। ठीक है, ये तनासब इधर भी वही आपने करना है, फर्ज किया मैं सिंपल कहता हूँ कि ये एक जनरल एग्जाम्पल कहता हूँ कि ये फर्ज किया अगर होता तनासब माकूस तो हमारे पास ये देखें नीचे बढ़ रहा है, इधर यही आना था, ये नीचे बढ़ रहा है, इधर आपने यही करना था, तो तनासब बाकी तरीका वही है, 6 पहले लिखना था इसकी जगह पे बटा और 8, फिर x पहले लिखना इसकी जगह पे बटा और 45, क्यों, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि जहां से स्टार्ट हो रहा है एरो वहीं पे आपने वो रकम पहले लिखनी है, तो ये इस तरीके बाकी काम आपने इस तरीके से करना है इंशाल्लाह, जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट और इनवर्स के तनासब।